गुड मॉर्निंग बच्चों, टेंथ क्लास का हमारा लेसन चला था फोर्थ वैश्वीकरण। ठीक है, तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादों, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटरगाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं में के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अतिरिक्त अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां, शीर्ष जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम औद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी दवाइयों की है, एशियन पेंट्स वगैरह हैं, सुंदर फार्सनर्स, नटोरबोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियाँ हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का विस्तार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, लेखाकार, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएँ भारत जैसे देश में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। जैसे इसका रवि का उदाहरण लेते हैं, रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम कर लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर जो प्रतिबंधों को हटा दिया। उसके मुख्य ग्राहकों के टेलीविज़न कंपनियाँ थीं जो टेलीविज़न सेंटरों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जों थोक में खरीदती और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती है। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए भी वश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे उनका आयात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ बंद कर दी। बैटरी संधारित्र, प्लास्टिक खिलौने, टायरों एरी उत्पादन, खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं।
इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत पर कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप में रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है। उपयुक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, यही नहीं संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण लाभ नहीं मिलता जिसका वे पहले उपयोग करती थी। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए आकृत नहीं रहा है। शिक्षित कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है, दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। क्योंकि वैश्वीकरण में सच्चाई है तो वैश्वीकरण अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबको बेहतर विस्तारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा में सक्षम ना हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवैधों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलाकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो ये हमारे यहाँ पर लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।